नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं वसई के कोलहेटी सिटी में। यहां एलएनटी कंपनी का कार्यालय है और इस एलएनटी कंपनी के कार्यालय में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था सेफ्टी रिलेटेड। अब सेफ्टी कई तरह की हो सकती है, खासकर यहाँ क्राइम जो होता है उससे कैसे प्रिवेंशन किया जाए उसकी सेफ्टी की यहाँ बात की गई। यहाँ एलएनटी कंपनी जो कि हर साल, इन्होंने बताया अभी कि जनवरी महीने में उनकी तरफ से सेफ्टी मंथ मनाते हैं और उसमें अलग 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 कार्यक्रम वो यहाँ आयोजित करते हैं। उसी कार्यक्रम के दौरान आज यहाँ वसई माणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ लोगों को गाइड किया कि किस तरह से खासकर महिलाओं के साथ जो होने वाले अपराध है उनसे, और साइबर क्राइम इस समय काफ़ी बढ़ रहा है, साइबर क्राइम से किस तरह से बचा जा सकता है, उन्होंने अच्छी तरह से गाइड किया और कहीं ना कहीं इनको पूरा मार्गदर्शन दिया। यहाँ कंपनी के कई लोग मौजूद थे, उन्होंने अच्छे से सुन के भी लिया, सवाल जवाब हुए और एक बेहतरीन एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ। ऐसे कार्यक्रम की शहर भर में ही नहीं देश में जगह जगह पर करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह से होने वाले अपराध जो है उनमें कमी आ सके। क्योंकि अपराध जब होता है तो उसके होने बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो पार्ट अलग है, लेकिन अपराध होने के पहले ही हम सचेत होकर अगर अपराध को रोक दे तो अपराध होगा ही नहीं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये पुलिस ने काफ़ी अच्छी तरह से हमको समझाया और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। देखिए इस पूरे कार्यक्रम के आगे के पार्ट्स, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम था, आप यहाँ आए? तो स्थापना दिन रेजिंग डे के मुताबिक ये पूरा दिन हम लोग हर एक जगह पे जाते अवेयरनेस के हिसाब से, साइबर मेंस एम्पावरमेंट इससे रिलेटेड हम लोग स्कूल और कंपनीज में जाके हमारे लेक्चर्स और लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे उनके प्रॉब्लम सुन के उसका उसी उससे रिलेटेड जो भी पुलिस से सहायता ले सकते हैं वो सब लोगों को समझा दें। सर, आज के समय में क्राइम, साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए किस तरह से आह्वान करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं? साइबर से रिलेटेड जो भी, यानी जैसे कि मोबाइल से लेके नेट हर एक, अभी यानी इतना एसेंशियल हो गया है ये कि उसके बिना रह नहीं सकते, उसमें डूज और डोंट ये सब हमने समझा दिया है, क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे रोका जा सकता है इसको, इसके बारे में हमने अभी के सेमिनार में स्टाफ को बता दिया। सर, इस सेमिनार में महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार से किस तरह से, महिलाओं पर होने वाले क्राइम से किस तरह से बचा जाए उसके लिए क्या आपने उनको बताया? उसमें आईपीसी में जो भी प्रावधान है उसके बारे में अवेयर किया गया है और किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो महिलाओं से सवाल जवाब के तरीके से बात करके ये सब सॉर्ट आउट, जो सवाल पूछे गए उनमें क्या ये कर सकते हैं हम उनके लिए, ये भी बताया है। और हर एक सेक्शन के बारे में उनको ये बताया गया कि कौन से सेक्शन में क्या है, महिलाओं से रिलेटेड साइबर से, तो साइबर में भी क्या क्या ऑफेंसेस रजिस्टर हो रहे हैं उसके बारे में भी ये सेमिनार में बात किया गया। सर, आम जनरल पब्लिक के लिए पुलिस की तरफ से क्या आह्वान करना चाहिए? आम पब्लिक के लिए यही आह्वान करेंगे कि सजग रहे साइबर के बारे में, और हम लोग जैसे कि ओटीपी से लेके रोजमर्रा मतलब कि जो भी हम एक्टिविटीज मोबाइल में कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा अवेयरनेस रखें और उस तरह से पेशा। क्या नाम है आपका और किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा था? मेरा नाम विश्वास कुमार त्यागी है और हमारी कंपनी का नाम एलएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अभी हमारी कंपनी बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कार्यरत है और हमारा ये टीएफएल ऑफिस है। तो अभी हम एलएनटी में सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट करते हैं। जो भी हमारी कमिटमेंट है पब्लिक लायबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी, एनवायरमेंट सेफ्टी और प्रिकॉशन को लेके, उसको जो हमारी कमिटमेंट है उसको एक तरह से रीअफर्म करने के लिए हम लोग सेफ्टी मंथ यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। हर साल हम लोग जनवरी मंथ को एज ए सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट करते हैं। तो उस सेफ्टी मंथ में हम पर डे कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोग रखते हैं सेफ्टी से रिलेटेड। तो आज का जो दिन था वो वोमेन सेफ्टी से रिलेटेड हमने दिन रखा हुआ था और हम लोग थैंक यू करेंगे, थैंक्स करना चाहेंगे अपना महाराष्ट्र पुलिस का जो यहाँ पर आए, उन्होंने वोमेन सेफ्टी और साइबर सेफ्टी से रिलेटेड हमको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की। आपके लोगों को कैसा फील हुआ और गाइडेंस जो मिला?
तो जहां तक आपके लिए ये लाभदायक होगा, देखिए हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा ही लाभदायक है, और हम तो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर आए, उन्होंने इतना कीमती टाइम हमको दिया, हमारी टीम को दिया, और जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम हमको बताया सर ने, जो भी हमको गाइडेंस प्रोवाइड कराया, वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम जो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। आपने पुलिस के बारे में जानकारी दी, यहाँ चर्च जब बातचीत हो रही थी तब आपकी कंपनी में भी कुछ ऐसा सिस्टम है जी, जहाँ पे सेफ्टी के लिए, उसके लिए चाहे लेडीज के लिए सेफ्टी हो या दूसरे, तो वो क्या है जरा सिस्टम बताइए। देखिए एचआर पॉलिसीज में क्लियरली यहाँ पर हमारी टीम ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि अगर कुछ भी वुमेन से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे कंडक्ट अगर हमको गलत दिखाई देता है, तो हमारी जो वुमेन एम्प्लॉयज़ है वो क्लियरली अब एचआर में उसको कंप्लेन कर सकते हैं विदाउट किसी यानी आइडेंटिफिकेशन। एचआर में उनको अपना आइडेंटिफिकेशन देने का बताने का जरूरत नहीं है, और जो अपना कंप्लेन है वो एचआर को बता सकते हैं, जो उनका कंप्लेन रहेगा उस बेस पे एचआर तुरंत उसका एक्शन लेंगे, जो इंक्वायरी है वो प्रोसीड की जाएगी, उसके बाद में जिस लेवल का कंडक्ट वहाँ पे किया गया है उस लेवल से फिर वो एचआर की साइड से एक्शन लिया जाता है। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।